राज्यों को मिशन मोड में अमृत सरोवर का काम पूरा करने का सुझाव। पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में की योजनाओं की समीक्षा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्र नीति अख्तियार करने से हिचकता नहीं है भारत। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ एफआईआर, सीएम शिंदे के बेटे पर लगाया था सुपारी देने का आरोप। उत्तर भारत में चढ़ेगा पारा, कई राज्यों में बारिश का अनुमान। सीएम योगी के खिलाफ दोबारा याचिका दायर करने पर लगा 1 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जमा करने का दिया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री के चौकीदार की हत्या ईंटों से कुचलकर कर दी गई। चौकीदार की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया है। दरअसल ग्लास फैक्ट्री में युवक चौकीदारी का काम करता था। शादी समारोह से लौटते समय विपिन को ईंटों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। विपिन और महाराज का शव खेत में मिला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। हत्यारों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 21 फरवरी को मॉर्निंग आवर में एक सूचना प्राप्त हुई कि बेंदी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची, वहां पर स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उस जो अज्ञात व्यक्ति था उसके सिर पर चोटों के निशान थे। उसके बाद पहचान की कार्रवाई शुरू कराई गई तो उस व्यक्ति की महराज उर्फ विपिन काशीराम कॉलोनी के रूप में उसकी पहचान हुई। विवेचना के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि वो उस दिन एक फंक्शन में गए थे अपने 2-3 साथियों के साथ में और उन्होंने शराब भी पी थी। इसी बात को लेकर के इनका एक जो साथी था मुनेश से खबर रायबरेली से है, जहां पड़ोस के एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घर में कोई ना होने की खबर लगते युवक मौके पर पहुंचा और महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए वीडियो बनाकर महिला को धमकी दी, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथे बलात्कार हुआ। किसने किया है? अनीत ने। कब की घटना है ये? ये 13 तारीख की रात की घटना है। आप कहाँ थे? हम द्वार पूजा करा रहे थे और श्रीवास्तव की सामने। हाँ हाँ। उसके मेरी बहू अकेली थी। हाँ हाँ। तो जो है हम लोग नहीं जाने, उसको ले जाकर वो आए तो सब चीज़ बताई। हाँ हाँ। तो हमारे जो इधर जो है ताला लगा रहा, इस कारण से वो नहीं खोल सकी। तो हम जो है उसने दरवाज़ा खटखटाया, वो हमको जान कर खोल दिया, लड़का उठा के पटक दिया, जो कार करा और कहे तो इसको मार डालने की धमकी दिया। महाराजगंज से आए ने। क्या हुआ है आपके साथ? बलात्कार। किसने किया? अनीत। थाने गई थी आप? थाने गई थी। कोई सुनवाई हुई क्या वहाँ पे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। नहीं। और आप कहाँ पे आई हैं? आप कप्तान साहब। कप्तान साहब। मुलाकात हुई? क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने क्या कहा? बाहर कार्रवाई करने के लिए कहा? हाँ। खबर रायबरेली से है, जहां रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज फिर अचानक हुई एक मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग लगातार इन मौतों को स्वाभाविक बता रहा है। पिछले 36 घंटों में अचानक 6 लोगों की मौत हो गई। बता दें, आनंद फानन में CHC के डॉक्टरों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और बताया कि सभी स्वाभाविक मौतें हैं।
बता दें लगातार 36 घाटों में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं लगातार इसे स्वाभाविक मौतें बताया जा रहा है। मौतों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें सीएससी के डॉक्टर मौके पर पहुंचे हैं और लगातार हो रही मौतों को स्वाभाविक बताया है। वहीं इन मौतों से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है और ये मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से अचानक एक मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं इन मौतों से इलाके में सनसनी मची हुई है। बता दें लगातार मौत हो रही है और मौत के कारण क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। वहीं आज एक और मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और लगातार डॉक्टर इसे स्वाभाविक मौत बता रहे हैं। बता दें 36 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है और मौत लगातार हो रही है और मौत से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। वहीं डॉक्टर इन मौतों को स्वाभाविक बता रहे हैं। रहस्यमय तरीके से लगातार मौत हो रही है और मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 36 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। बता दें कि आज एक और मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। बता दें मौतों से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। रहस्यमय तरीके से लगातार मौत हो रही है और इन मौतों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। वहीं लगातार डॉक्टर्स इसे स्वाभाविक मौतें बता रहे हैं। छत्तीस घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है और लगातार ये मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। आज एक और मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। रहस्यमय तरीके से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज एक और मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं इन मौतों को लगातार स्वाभाविक बताया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार में लगातार अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर यूपी पुलिस में तबादले किए गए हैं। शासन ने बुधवार को 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। पुलिस महकमे में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गौरतलब है कि शासन ने मंगलवार देर रात भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। शासन की ओर से करीब 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। बता दें यूपी में 23 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है।
23 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, एक बार फिर से यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि राजधानी तबादला एक्सप्रेस दौड़ते हुए नजर आई, जिसमें विभिन्न अफसरों को उनके पदों से हटाकर और उनके नए पदों पर आश्वस्त किया गया है। इससे निश्चित तौर से जो योगी सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम किसी भी अधिकारी को लंबे अरसे तक एक जगह पे नहीं रखेंगे, उसी को हमें आपको बता दें कि श्री सर्वान टी को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया है, और अगर बात करें तो शशांक सिंह को सहायक पुलिस उपायुक्त कमिश्नर लखनऊ बनाया गया है। साथ ही अगर बात करें तो चंद्रकांत मीना सहायक पुलिस अधीक्षक बरेली बनाया गया है। ऐसे कुल मिलाकर 11 अफसरों के स्थानांतरण किए गए हैं, उन्हें उनके तत्कालीन जो उनका जिम्मा है वहां से हटाकर नए जगह पे उन्हें आश्वस्त किया गया। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, सरकार में लगातार अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर यूपी पुलिस में तबादले किए गए हैं। शासन में बुधवार को 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। पुलिस महकमे में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गौरतलब है कि शासन ने मंगलवार देर रात भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। शासन की ओर से करीब 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, यूपी में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। सरकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की बात कर रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है। उसके लिहाज पे ही ये देखा जाए कि प्रशासनिक फेरबदल ये बड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ है। कुल 14 अधिकारियों के जो है वो फेरबदल, उनके विभागों में फेरबदल हुआ है। इसमें यूपी प्रमुख सचिव तथा एसीएस अफसरों के विभागों में भी बदलाव हुआ है और ये आदेश कल जारी कर दिया गया। तो इस प्रकार से सरकार लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो है काफी सख्त दिख रही है। जिस प्रकार से कानपुर देहात की घटना घटी थी, जिसे सरकार के जो मंसूबे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार है, उस पर कहीं ना कहीं एक धब्बा बनता दिख रहा था, जिसके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए अफसरों के विभागों के तबादले किए गए हैं। इसमें हेमंत राव जो अपर मुख्य सचिव पेशावर कल्याण है, उनको अब नवीन पद दे दिया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का प्रभार हटाकर अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। इसके अलावा रजीव गुप्ता जो सदस्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के थे, उनको नवीन प्रभार देते हुए प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक शासन विभाग बना दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए लीना जोहरी की, जो कि आईएएस है, प्रतीक्षारत है, उनको नया विभाग जो है प्रमुख सचिव बना दिया गया है। आयुष और स्टाफ रजिस्ट्रेशन विभाग का बना दिया गया है। इसके अलावा कई अधिकारी हैं जिनके विभागों में फेरबदल हुआ है। अब उनको उसमें अनिल कुमार भी आते हैं, जो प्रमुख सचिव थे पहले नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश में, अब उनको प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश में नया पद दे दिया गया है। इसके बाद श्री अनिल ढींगरा जो प्रबंध निदेशक थे केस्को कानपुर नगर के, उनको जो है प्रबंध निदेशक बता दिया गया उत्तर प्रदेश जल निगम में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नवीन कुमार जीएस भी है, जो आईएएस है, प्रतीक्षारत है, अब उनको विशेष सचिव बना दिया है या माध्यमिक शिक्षा विभाग में। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार है, जो विशेष सचिव थे औद्योगिक विकास विभाग के, अब उसको जो है निदेशक सूडा बना दिया गया उत्तर प्रदेश लखनऊ। इस प्रकार से कई बड़े अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है मजबूत रहे और जो ये जो बजट आया है
उसके लिहाज से कई सारी चीजें देखते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार काम कर रही है, बताती है कि जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है, तमाम तरह के फिर उधर बड़े अधिकारियों के विभागों में हुए नहीं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध अपार्टमेंट सीज किया है। बता दें जानकीपुरम में निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट को एलडीए ने सील किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। शहर में अनाधिकृत निर्माण पर चल रहा एलडीए का हंटर प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने बुधवार को जानकीपुरम में नहर रोड पर एक निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट को सील किया है। 350 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर बेसमेंट व भूतल निर्माण हो रहा था, बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण हो रहा था। बता दें एलडीए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और एक बार फिर से एलडीए की कार्रवाई देखने को मिली है। एलडीए ने अवैध निर्माण को सील किया है। बता दें ये कार्रवाई उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर की गई है। बता दें जानकीपुरम में निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट को एलडीए द्वारा सील किया गया है। एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध अपार्टमेंट सीज किया गया है। जानपुर में निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट को एलडीए ने सील किया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, एलडीए एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आया है, फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की गई है एलडीए द्वारा, अवैध अपार्टमेंट सीज किया गया है। में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है तो कहीं ना कहीं बुलडोजर जगह जगह नजर आते दिख रहे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्ती नजर किए हैं, सख्ती बनाए हैं। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने पूरी सख्ती के साथ अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया, जहां जहां पर बिना स्वीकृत मानचित्र के जो भी भवन बनाए जा रहे हैं या जो बिल्डिंगें या जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि जानकीपुरम इलाके में एक निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट बन रहा था, उसको सील कर दिया गया है और प्रवर्तन जोन 5 के जो जोनल अधिकारी रमा शंकरन है, उन्होंने डॉक्टर इब्राहिम और वह अन्य द्वारा जानकीपुरम के अलमास फैक्ट्री के पीछे नहर रोड पर रॉक गार्डन के सामने लगभग 350 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर बेसमेंट व भूतल समेत द्वितीय तंत्र का निर्माण करने वाले फ्लैट जो निर्मित किया जा रहा था उसको सील कर दिया है। उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद संख्या 13/2023 आयोजित किया गया था। उस प्रकरण में विपक्षी द्वारा कोई भी स्वीकृत मानचित्र पेश नहीं किया गया, यानी बिना स्वीकृत मानचित्र के ये है जो भूखंड है ये बनाया जा रहा था, जिसको लेकर के जो निर्माण हो रहा था उस पर एलडीए कहीं ना कहीं सख्त नजर आया है और इस पर पूरी तरीके से सील की कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी पूरी तरीके से लखनऊ में जगह जगह चिन्हित किए जा रहे हैं जहां जहां पर अवैध अपार्टमेंट्स बन रहे हैं या भवन बन रहे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है एलडीए से, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी जानकीपुरम में ये निर्माणाधीन अवैध को सील कर दिया गया। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।